Hello and welcome to our show, Rediscovering Nutrition. I am Neelima, your nutrition expert. Is it that every time you pick up a food item, you think about how much calories it has? हम इसे मेजॉरिटी लोग वेट कम करने के लिए जनरली फोकस करते हैं कैलोरीज कट डाउन करने पर. बट पहले ये तो जान लें कि कैलोरी है क्या. सो कैलोरी इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द फूड दैट वी ईट. देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड अ कैलोरिक मीटर जो कैलोरीज को मेजर करता है. हम इस डिवाइस में एक फूड आइटम को रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि उस फूड आइटम को बर्न करने से कितनी हीट जनरेट हुई. इसी को हम कैलोरीज कहते हैं. आवर बॉडी बायोलॉजिकली डजंट अंडरस्टैंड कैलोरीज. कैलोरीज एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसका हमारी बायोलॉजी से कुछ खास लेना देना नहीं है. ह्यूमन बॉडी में कोई कैलोरिक मीटर फिट नहीं है. कैलोरीज डोंट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस दैट आवर बॉडी नीड्स. द हॉर्मोन्स कंटेन दोज इंस्ट्रक्शंस. और ये केमिकल मैसेंजर्स ही हमारी बॉडी को बताते हैं कि इन कैलोरीज को फैट की तरह स्टोर करना है या उनको मसल बिल्डिंग में यूज करना है या फिर इन कैलोरीज को एनर्जी में यूज करना है. So whether you are gaining fat or not depends upon what hormones your body is activating and not on how much calories you are having. तो वो लोग जो अपने पूरे मील को छोटे से चॉकलेट या छोटे से कुकी से रिप्लेस कर देते हैं ये सोच के कि कैलोरीज ही तो हैं, क्यों ना हम कैलोरीज में वो खा ले जो हमें पसंद है. They need to understand that 100 calories of a cookie is not equal to 100 calories of a broccoli. That's because the hormonal response that a cookie is going to generate is different than what a broccoli is going to generate. And hormones is what our body listens to. So if you're trying to reduce your calories in order to lose weight, you might lose some weight initially along with losing your muscles. But ultimately you will regain those lost pounds. Because over a period of time, your metabolic rate will adjust to the lower calories that you're having. तो वेट का तो पता नहीं. बट एनर्जी लेवल्स डेफिनेटली आपके कम हो जाएंगे. सो व्हेन इट कम्स टू इनटेक ऑफ कैलोरीज लिसन टू योर बॉडी सिग्नल्स. वी हैव हंगर एंड वी हैव सेटाइटी हॉर्मोन्स दैट टेल अस व्हेन टू ईट एंड दैट टेल अस व्हेन टू स्टॉप ईटिंग. यू नो इट कम्स डाउन टू आवर हॉर्मोन्स. सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू प्रिपेयर योर फूड प्लेट डोंट काउंट द कैलोरीज इन इट. रादर फोकस ऑन वॉट यू आर हैविंग एंड वॉट हॉर्मोनल रिस्पॉन्स इट इज गोइंग टू जेनरेट. Let us help you in rediscovering nutrition. I hope you enjoyed watching this episode. In case of any queries, you can comment.